ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने एक चार पहियों पे चलती एक मशीन को देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ही हैरान हो गया। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स में पहली बार लगा हुआ था। इसका नाम था सुचैरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर चौक पर देखने को मिलेगा। वेलकम इन लाइव स्पीड चैनल नाजरीन। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सुचैरो होंडा की पैदाइश हो गई। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। हालांकि 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उनके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनको पढ़ाई से तो कोई लगाव ही नहीं था। अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल बनाने में काफी कोशिश और दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। 8 शोकाई नामी टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विस पर टेक्नीशियन की जरूरत थी। उन्होंने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा, और खुशकिस्मत ये थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आई। ये वो टाइम था जब होंडा अपना घर, माँ बाप, स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाकर टोक्यो रवाना हो गए। होंडा का ख्वाब तो टप टूटा जब वो टोक्यो में 8 शुकाई पहुंच गया। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई के काम करवाना शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि उसे बेबी सेटिंग करने पे भी लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना माँ बाप घर छोड़ के आ गया था, दूसरी तरफ उसे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अपना फेस दिखाने के लिए काबिल नहीं समझता था। यह वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वही काम करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद 8 शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू किया। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो चीजों को आसानी से समझने लगा। चंद महीनों में वो हर तरफ की गाड़ी को और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान 8 शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाए, जिसमें पहली गाड़ी 8 डेलर थी और दूसरी कॉर्टेस। ये 2 गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन ली हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो मोमेंट था जिसके बाद सुचैरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो 8 शुगाई में जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामास्तु शहर में होता था, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने 8 शुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था, और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार डिजाइन किया। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 8 शुकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए मजीद जगह बन गई थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसलिंग के दौरान होंडा का एक हौलनाक हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, और चेहरे पर भी कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होती दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और न ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने 8 शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू कर ले। 8 शुकाई की स्टेट होल्डर ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल ही रहे थे, और वो कोई भी नहीं चाहता था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्री खोली, और अपने दोस्त सुचैरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास उसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो दिन भर 8 शुकाई के लिए काम करता था,
जबकि रात में अपनी नई कंपनी में खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो उसी रूटीन पे चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी ना दिख रही थी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोक के बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने 8 शुगाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन को अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद है। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए, लेकिन टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दी और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारे कंपनीज ने क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको दौड़ाधर ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसने कंपनी ने 2000 बंदों को रख लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद ही महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचैरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउन ग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब मजीद खराब होती थी जब कंपनी के वर्कर को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में जियो न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान की सिर से कमर हिला कर रख दी। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिए और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ नहीं थी, बल्कि पूरा जापान जॉबलेस हो गया था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल ही नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को एक जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिसे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना उस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। जब उन्होंने ये इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतना ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो दिखाया गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मार्स लेवल पर इस साइकिल को बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आती ही मार्केट में धूम मचा दिया। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रैम और हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का भी फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक्स रेस में जाता था और जीतने वाले बाइक्स की खास फीचर को नोट करता था। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ज्यादा मार्केटिंग का काम करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग में कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे।
अपनी जिंदगी के 62 ईयर गुजारने के बाद आखिरकार सुचैरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो गया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुख किया। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात न सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसे कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठे थे। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक 3T60 लॉन्च की, जो फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। और उस वक्त होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी थी, और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनी। आज होंडा का नाम कार्स, मोटरसाइकिल, बोट्स इंजन, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल पर देखने को मिलता है। सुचैरो होंडा ने होंडा सिविक के नाम लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट का ऐलान किया, और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के लिए बेहद शुक्रिया।